नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह राठौड़। हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति देवांगन जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप हमें महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के बारे में और उनसे समस्याओं के बारे में हमें जानकारी देंगी और उनके कैसे उपचार होंगे, कैसे उनका निदान मिल सकता है, वो तमाम जानकारी आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा। सबसे पहले मेरा बड़ा सवाल यही कि महिलाओं को अक्सर खान पान को लेकर शिकायतें देखने को मिलती है कि महिलाओं का खान पान ठीक नहीं होता है, खान पान के चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे त्वचा को लेकर बीमारियां हो, तो महिलाओं को ही अक्सर खान पान के बाद में कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। सीधा सवाल यही कि खान पान कैसा होना चाहिए महिलाओं का? देखिए, महिलाओं का खान पान जो है वो जैसे हम कहते हैं कि जो बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट मतलब कि जो भी सब तरीके का, जैसे कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो भी अपना फैट है वो जो प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो, तो वो यानी कि खान पान उनका ध्यान पूरा उसमें प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जनरली फीमेल्स जो हैं वो घर की वजह से, अपनी फैमिली मेम्बर्स की वजह से अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, तो मेरी तरफ से उनका यही रहेगा कि जितना भी वो हो सके अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दे, और जैसे जितनी भी है हरी सब्जियां हो गया, या फिर जो नॉनवेज अगर खाती हैं तो अंडा हो गया या फिर चिकन वगैरह हो गया, ये यानी कि जो प्रोटीन है वो अपनी डाइट में जितना ज़्यादा इंक्लूड करेंगी उतना ज़्यादा अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए। डॉक्टर दीप्ति देवांगन, PCOS क्या होता है? महिलाओं की बीमारियों को लेकर जुड़ा हुआ सवाल है मेरा। PCOS देखिए, आज के डेट में जो टीनेजर एज ग्रुप है उसमें होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम है PCOS। अगर आज के टीनेजर्स ग्रुप हम लोग देखें 16 से 20 की एज ग्रुप में, तो ऑलमोस्ट 90% लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है। किसी में ये सिम्टोमेटिक होती है, किसी में ये इतनी सिम्टोमेटिक नहीं होती है। मेनली उनको प्रॉब्लम जो इसकी वजह से आती है वो हो गया कि एक्ने, इरेगुलर पीरियड्स और कुछ हार्मोनल इश्यूज, मूड डिस्टर्बेंसेस, ये सारी दिक्कतें को सामना उनको करना पड़ता है। बट बहुत माइनर लाइफस्टाइल चेंजेस से वो इनको मैनेज कर सकती हैं इजीली। इन केस जैसे कि अगर डाइट या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस से वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, तब हमको उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। ठीक है। फॉलेट की कमी क्या होता है? फॉलेट की कमी से किस तरह की बीमारियाँ होती है, किस तरह की दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ सकता है? देखिए, फॉलेट हमारी डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विटामिन है। मेनली इसकी कमी से जो, अगर प्रेगनेंसी के साइड में मैं बात करूं, इसकी कमी से होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं अपने साइड से बात करूं कि प्रेग्नेंट एज ग्रुप में अगर फॉलेट की कमी होती है तो जो गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको एक डिसीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के नाम से, जिसमें होता यह है कि जो अपना जितने भी न्यूरल यानी कंपोनेंट होते हैं, कहने का मतलब है कि जो बच्चे का मस्तिष्क है और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। वो नॉर्मल तरीके से जो बनना चाहिए वो ना बन के यानी प्रॉपर जुड़ता नहीं है, ऐसे करके कई टाइप की डिफेक्ट का सामना करना पड़ता है जिससे बच्चा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग रहता है जन्म से। तो अगर फोलेट को वो प्रेगनेंसी के समय अपने डाइट में इंक्लूड करती हैं तो ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। यहाँ तक कि फोलेट को वो प्री प्रेगनेंसी यानी कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उस पीरियड में भी अगर वो डाइट में इंक्लूड करती हैं तो वो ज़्यादा बेटर है कि प्रेग्नेंट होने के बाद स्टार्ट करने से। वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे इसका निदान होता है, कैसे इसका समाधान होता है और क्या कुछ गंभीर बीमारियाँ इस इन्फेक्शन के बाद में महिलाओं को घेर लेती हैं? वेजाइनल इन्फेक्शन देखिए, एक तो परेशानी ये होती है कि मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स होती हैं वो उनको वो कंसिडर करती हैं कि जो हमारा नॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उनको कई लोग ऐसा, कई बार उनको ऐसा लगता है कि ये वेजाइनल यानी कि उनको कोई इन्फेक्शन है या फिर ज़्यादा आ रहा है,
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी की तरह अगर कुछ डिस्चार्ज जा रहा है या फिर कुछ बदबूदार कुछ डिस्चार्ज अगर उनको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये हम उसको फिर कहते हैं कि फिर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है या कुछ है। इसकी वजह से मेनली दिक्कत आती ये है कि कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने से वो पूरा आपका जो गर्भाशय है उसको भी साथ में ले लेता है, जिसकी वजह से PID करके जो हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, वो फेस करना पड़ता है, जिसमें कई बार बहुत लंबे समय से कमर दर्द और ये महीने की समस्या, ये सब का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर यही समस्या उनको गर्भवती महिलाओं को होती है तो जो हम बोलते हैं प्रीटर्म लेबर, यानी कि समय से पहले बच्चे का जन्म होना या फिर जन्म के समय से ही बच्चे को इन्फेक्शन होना, ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर देवांगन, STI हिंदी में कहूँ तो यौन संचारित संक्रमण, जैसा मेरे पास है, STI का मतलब क्या होता है और क्या इसके उपाय होते हैं, क्या इसके समाधान होते हैं और किस तरह के लक्षण नजर आते हैं? STI जिसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, मीन्स कि इन्फेक्शंस, कहने का मतलब है ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो सकते हैं। जी इसका सबसे अच्छा समाधान है कि आप हमेशा इंटरकोर्स के समय कुछ भी बैरियर डिवाइस का प्रयोग करें। आजकल जैसे कि मेल कॉन्डम होते हैं, फीमेल कॉन्डम होते हैं, ये उसको बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। दूसरी चीज़, अगर किसी को ये है तो उसका पूरा का पूरा इलाज लेना, दवाई का पूरा कोर्स कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि अगर बीमारी एक भी पार्टनर को है तो भी दोनों पार्टनर्स को जो दवाई का पूरा कोर्स है वो इनको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, HIV के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे इसके संक्रमण में आ सकते हैं? कैसे निदान है इसका? क्या कुछ लक्षण है? HIV, देखिए HIV होने के सबसे तो ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है कि आजकल खून से लोगों को होता है, ठीक, जिसकी वजह से ये कई लोगों को फैल सकता है। दूसरी चीज़ हो गई कि जैसे जो ड्रग्स लेते हैं या फिर जो संक्रमित सुइयां होती हैं उसके थ्रू भी HIV का इन्फेक्शन जो है फैल सकता है। तीसरा, HIV भी यही हमारा एक STI का ही टाइप है, यानी कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ये हो सकता है। लेकिन HIV के साथ भी एक नॉर्मल जिंदगी हम बिता सकते हैं। HIV का भी हम ये नहीं कह सकते कि HIV एक बार होने के बाद HIV का ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन हाँ, HIV के साथ अगर आप नॉर्मल दवाइयाँ लेती हैं, प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो HIV के साथ एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करना पॉसिबल है, एक नॉर्मल जिंदगी जीना भी पॉसिबल है। HIV के साथ गर्भवती महिलाएं भी HIV के साथ आराम से प्रेग्नेंट हो सकती हैं, साथ ही अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सही समय इलाज करा के HIV से बचा भी सकती हैं। गोनोरिया या प्रमेह, हिंदी में कहें तो प्रमेह, क्या होता है? क्या कुछ इसके समाधान, निदान और लक्षण? गोनोरिया भी एक टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही है। इसमें मेन जो होता है वो होता है कि जो मरीज के जो प्राइवेट अंग होते हैं उसमें कई बार कुछ खुजली जैसा होना या फिर कुछ कह सकते हैं कि घाव जैसा होने का इसमें रहता है। उसके बाद कई लोगों को इसमें खुजली ज़्यादा होती है, कई लोगों को घाव होते हैं, कई लोगों को लंबे समय से कुछ भी नहीं रहता लेकिन एक गांठ जैसा भी इसमें पता चलता है। इसका भी आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पूरी तरह से इसका इलाज हो जाता है, दवाई के कोर्स से पूरी तरह से इलाज संभव है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपको ये है तो आपको पार्टनर का भी ट्रीटमेंट लेना है और साथ में ऐसी प्रिकॉशंस लेना है ताकि आप अपने पार्टनर को होने से बचा सकें। ठीक है, अब बात टीनेजर की करते हैं। टीनेज में लड़कियों को, युवतियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है? अमूमन कौन कौन सी बीमारियां उन्हें होती है और क्या कुछ उसके उपचार और समाधान है? टीनेज ग्रुप में देखिए, जैसे पहले आपको बताया कि PCOS जो सबसे कॉमन चीज़ है जो आजकल लोगों को फेस करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है इरेगुलर मेंसेस, और दिक्कत होती है एक वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है, या फिर डिसमेनोरिया यानी कि महीने के समय, मासिक धर्म के समय होने वाला बहुत ज़्यादा दर्द, ये भी एक टीनेज ग्रुप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली समस्या है। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक तो अगर ये
होता है कि अगर आप उसको यानी कि दर्द आपको इतना नहीं है कि वो आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर कर रहा है या फिर आपकी रोज की गतिविधियों में कोई भी बाधा डाल रहा है, तो वो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी रोज की लाइफस्टाइल आप नहीं कर पा रहे, दिनचर्या के आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड व्हाट इज द बेस्ट एज फॉर प्रेगनेंसी? सॉरी, जी, हेलो। मेरा सवाल है कि प्रेगनेंसी के लिए बेहतर उम्र कौन सी होती है महिलाओं के लिए? बेहतर उम्र बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसी, लेकिन हाँ, एक होता है कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि आजकल सब लेट प्लान करते हैं, मेरे हिसाब से है कि पहले की तरह तो अब कम एज में नहीं होता, लेकिन जब तक एक लड़की के शरीर का जो पूरे यानी कि उसकी गर्भाशय से लेके हर चीज़ का पूर्णतः विकास नहीं हो जाता, तब तक बच्चा लेने से बाद में लड़कियों को कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से है कि आप 27 के बाद ही अगर प्लान करते हैं तो वो अच्छी, मेरे हिसाब से अच्छी उम्र मानी जाती है। लेकिन अगर आप 31 32 उसके ऊपर जाते हैं तो कई बार बच्चों को जो जन्म से होने वाली कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है। क्लेमेडिया, क्लेमिडिया क्या होता है? इसका क्या उपचार होता है? क्या कुछ इसका समाधान होता है? क्या इसके लक्षण हैं? क्लेमाइडिया होने वाले एक तरह का इन्फेक्शन है जो मेनली यानी कि स्किन को इन्वॉल्व करने वाला है, जो प्राइवेट रीजन के स्किन है उसको इन्वॉल्व करने वाला है। लक्षण इसके भी वही होते हैं कि खुजली वगैरह का इसमें ज़्यादा मिलता है, बाकी दवाई की कोर्स से ये भी पूरी तरह से इसका निदान हो सकता है। महिलाओं में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या करें, किन चीज़ों का सेवन महिलाएं करें, टीनेज में बताएं और जो वयस्क होती हैं उनमें भी बताएं। टीन एज ग्रुप में तो मैं कहूँगी कि सब आजकल टीन एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और घर के खाने को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरे टीन एज ग्रुप के लिए तो मेरे लिए यही एडवाइस रहेगा मेरी तरफ से कि जो अपना घर का खाना होता है, नॉर्मल जो सब्जियां होती हैं, दूध होता है, दही होता है, अंडा, ये सब घर का जो चीज़ है वो आप लीजिए, और बाकी जितना हो सके जंक फूड जो आजकल बच्चे ले रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए। बाकी प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए। फैट आजकल लोग डाइट में ज़्यादा इन्वॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि जंक ज़्यादा खा रहे हैं। बाकी आप घर का स्प्राउट्स लीजिए, ये टीनेज ग्रुप के लिए बेस्ट है। अगर आप प्रेग्नेंट एज ग्रुप में जाते हैं तो भी यही आहार ही रहता है, बस उसका अमाउंट हमको महीने के हिसाब से उसको रेगुलेट करके या डाइट चार्ट बना के प्रॉपर उनको देना पड़ता है। अगर मेनोपॉजल एज ग्रुप में हम लोग जाते हैं, यानी कि जो जिनका महीना मासिक धर्म बंद हो चुका है, यानी कि 50 के एज ग्रुप के आसपास, तो उनको अपने डाइट में खास तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं में, खासकर टीनेजर में, युवतियों में वजन बढ़ना एक आम समस्या है और वजन बढ़ने के बाद स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें महिलाओं को, लड़कियों को इसका शिकार होना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। क्या हकीकत है ये? वाकई में ऐसा होता है? और अगर होता है तो क्या इसका उपाय और निदान? ये तो है कि ओबेसिटी की वजह से आजकल के एज ग्रुप में देखने को ज़्यादा मिलती है ओबेसिटी। वही कॉमन रीज़न वही है कि आजकल जंक का चलन है, लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, लाइफस्टाइल लोगों की वैसी है, और इसकी वजह से कई बार लड़कियों में ये कॉम्प्लेक्स एक बोलते हैं जो फिर आता है, जिसकी वजह से कई बार लड़कियां डिप्रेशन में जाती हैं अपने बॉडी फिगर को लेके या किसी भी वजह से। उसके लिए मैं यही कहूँगी कि जो भी आहार ले, संतुलित आहार ले, एक्सरसाइज पे ध्यान दे, कम से कम दिन में 30 मिनट अगर आप कर सकते हैं तो 30 मिनट, कुछ नहीं तो 30 मिनट एक बार नॉर्मल वॉक लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। महिलाओं में, खासकर लड़कियों की ही बात कर लेते हैं, टीनेजर की बात कर लेते हैं, अक्सर लंबे वक्त तक फ़ोन का उपयोग करना अमूमन बच्चों में भी होता है और आजकल लड़कियों में भी देखने को मिल रहा है कि लंबे वक्त तक, रात में, देर रात तक फ़ोन यूज़ करना, उससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, खासकर आँखों पर, उनकी नींद पर, उनकी याददाश्त पर?
फोन तो आजकल ऐसा हो चुका है कि डे टू डे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। अगर हम कहें तो आजकल तो स्टडीज का एक पार्ट ही है हमारा मोबाइल फोन। जैसे कि अब तो सब ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ ही ऑनलाइन चल रहा है, तो अब जी ये एक पार्ट ऑफ स्टडीज हो चुका है। तो आप इसको पूरी हद तक अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप एक शेड्यूल कर सकते हैं या फिर इसका एक यूसेज टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं। जी लेट नाइट अवॉइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक हमारी बॉडी में ऐसा होता है ना कि एक इनबिल्ट क्लॉक होता है, जैसे मैं कह सकती हूँ कि एक इनबिल्ट क्लॉक, यानी कि वो अगर आप बॉडी का मैकेनिज्म वैसे सेट होता है कि रात को आपका नींद का बहुत प्रॉपर टाइम होता है, एक हार्मोन होता है मेलेनिन करके, वो बॉडी में इसीलिए रात को ही सिक्रीट होता है जो हमें अच्छी नींद के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है अवॉइड कर सके तो आप मोबाइल को, जो भी आपका यूज़ है जैसा भी है, वो आप दिन को कीजिए, लेट नाइट आप इसे अवॉइड करेंगे तो वो जो बॉडी के मैकेनिज्म के हिसाब से अगर आप अपनी नींद लेते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपकी हेल्थ। डॉक्टर प्रीति, महिलाओं में थायराइड की समस्या होना भी आजकल इन दिनों चलन में है। अमूमन कई महिलाओं को थायराइड की समस्या हो रही है, मोटापे के चलते, वजन बढ़ने के चलते। क्या कुछ एहतियात बरतें, किन चीज़ों का सेवन करें और क्या इसके लक्षण और उपाय? मोटापे के ऐसा है कि भाई, जो मैं कई बार से बोलती आ रही कि संतुलित आहार पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ है उपाय में आपका वही है कि आप अगर एक्सरसाइज आज की डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज़ है इसके लिए। उसके अलावा कैंसर को लेकर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और तमाम तरह के कैंसर जो महिलाओं में होते हैं, उसको लेकर क्या कुछ राय आप देना चाहेंगी और किस तरह से निदान और समस्याओं के लक्षण होते हैं? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर आप उसके शुरुआती स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसका पूर्णतः इलाज संभव है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या फिर शुरुआती लक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो इस हद तक बॉडी में फैल जाता है कि उसके बाद उसका इलाज किसी भी हद तक संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि आजकल महिलाओं को एक कैंसर का स्क्रीनिंग जो हम कहते हैं, यानी कि शुरुआती स्टेज पे अगर कुछ भी लक्षण है तो उन लक्षणों को पकड़ना, वो चीज़ महिलाओं को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए और महिलाओं को इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 30 की एज ग्रुप से ही मैं महिलाओं को ये सुझाव देना चाहूँगी कि वो रेगुलर अपना हर साल या फिर साल 2 साल में अपना स्क्रीनिंग करवाएं, जो नॉर्मल जांच होती है कैंसर स्क्रीनिंग की, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की और दूसरे कैंसर की जो जांच होती है उसका कम से कम एक बार परीक्षण जरूर करवाएं, ताकि कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सके, ताकि उसका पूरा इलाज करवाया जा सके। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए, किस तरह के चेकअप्स उनके होते हैं, कब कब चेकअप्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किस तरह के टेस्ट होते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आप जानकारी दें हमें। महिलाओं को पूरी गर्भावस्था का जो 9 से 10 महीने होते हैं, कम से कम मैं कहूँगी कि उनको 4 बार तो अपनी जांच करवानी ही चाहिए, जिसमें सोनोग्राफी से लेके जो नॉर्मल डॉक्टर के पास आप जो नॉर्मल जांच करवाते हैं, बीपी शुगर से लेके हर चीज़ की जांच, वो आपको करवानी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, सोनोग्राफी, कई बार लोग सोचते हैं कि सोनोग्राफी इतने ज़रूरी नहीं होता है कराना, लेकिन सोनोग्राफी का हर महीने का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे कि शुरू के 3 महीने में सोनोग्राफी कराने से आपका बच्चे के लिए, कि बच्चा सही जगह में आया है कि नहीं, बच्चे का डेट डिसाइड करने के लिए, ये सारी चीज़ों में बहुत हेल्प हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गर्भाशय में ना आके ट्यूब्स में, या नली जिसको बोलते हैं, बच्चा वहाँ आया होता है, जिसकी वजह से वो बाद में रप्चर हो जाता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं, वो प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से कई बार महिलाएं शॉक में फिर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आती हैं और कई बार उनकी जान भी इस वजह से जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मिनिमम जब आप एक बार आप शुरू से चेकअप कराए तो कम से कम 4 से 5 बार आपको चेकअप करवाना ही चाहिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में महिलाओं पर भी इसने बराबरी से असर डाला है, जिस तरह जितना असर पुरुषों पर डाला है, महिलाओं को भी उतना ही शिकार बनाया है कोविड-19 ने। क्या कुछ एहतियात बरतने की अपील आप करेंगे एक महिला होने के नाते?
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चल रहा है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो मैं महिलाओं को बोलूंगी, साथ ही मैं ये बोलूंगी कि गर्भावस्था में कोविड होने से घबराएं नहीं, क्योंकि कोविड का इलाज संभव है, कोविड के साथ गर्भ लेना भी पॉसिबल है और गर्भ में पल रहे शिशु को भी कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। यानी कि कई महिलाएं इस चीज़ के लिए चिंतित होती हैं कि अगर मुझे कोविड हुआ है तो मेरी वजह से बच्चे को तो नहीं कोविड होगा, या फिर मेरा बच्चा ठीक रहेगा कि नहीं, उसे जन्म से कोई समस्या तो नहीं रहेगी, या फिर मुझे ये मैं प्रेगनेंसी ले पाऊंगी कि नहीं। तो मेरा उनसे कहना यही है कि आप सेफ रहें, लेकिन अगर होता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि आप उसका इलाज करवा सकती हैं और बच्चा इसके साथ बच्चे को कोई फर्क ऐसा खास नहीं पड़ता है। IVF को लेकर क्या राय है आपकी? IVF हमारे ऐसे जो निसंतान जो दंपतियां होते हैं उनके लिए एक आखिरी एक ऑप्शन होता है। अगर आपके सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, जो भी हम उनके लिए शुरू में इलाज करवाते हैं, अगर वो सारी चीज़ें फेल हो जाती है तो एक आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचता है IVF, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये होता है कि हम महिला के यानी कि शरीर के बाहर एक एम्ब्रियो तरीके का तैयार करके उसे फिर महिला के शरीर में देते हैं, इसीलिए जिससे कि निसंतान दंपतियों का एक संतान सुख उन्हें हम अवेलेबल करा सकें। लगातार बढ़ते प्रदूषण और लगातार ख़राब होते मौसम के बाद में महिलाएं जिस तरह से राजधानी में रह रही तमाम बड़े शहरों में रह रही हैं, उन्हें किस तरह से एहतियात बरतने की आवश्यकता है? क्योंकि इस तरह के मौसम ख़राब से उनके त्वचा की बीमारी होती है, कई महिलाओं में बाल झड़ने की शिकायतें सामने आती है, उन्हें सांस की बीमारी होती है, इसको लेकर क्या कुछ अपील और सावधानी बताएंगी आप? देखिए, जो आप प्रदूषण को लेके कह रहे हैं, हम पहली चीज़ है कि हमको खुद अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि जो वातावरण में हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हमें वातावरण अच्छा बनाने के लिए हमें अपनी वो चीज़ तो करनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ अपना ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि हेयर फॉल जैसे किसी को होता है या फिर कई लोगों को एक्ने का शिकायत आता है, तो हमको उसके लिए डाइट पे अपनी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम हमसे जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए कि किस तरह से महिलाओं को बीमारियां होती है और क्या कुछ उनके उपचार निदान और उसका निराकरण होता है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।